स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के जयंती के अवसर पर मुंबई के दिंडोसी विधानसभा में शिवसेना शिंदे गुट के विधानसभा संगठक वैभव भड़कर व मलाड विकास प्रतिष्ठान द्वारा 5 किलोमीटर का रन फॉर डेवलपमेंट मैराथन स्पर्धा का आयोजन किया गया। इस मैराथन स्पर्धा में हजारों धावकों ने हिस्सा लिया। मैराथन के प्रतिभागियों में युवा, युवती और बुजुर्ग भी शामिल थे। वहीं मैराथन में धावकों का उत्साह बढ़ाने के लिए प्रमुख अतिथि के रूप में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री दीपक केसरकर, सांसद गजानन कीर्तिकर, विधायक प्रकाश सूर्वे खास तौर पर मौजूद थे। आए अतिथियों ने वैभव भड़कर की तारीफ करते हुए शिंदे गुट द्वारा महाराष्ट्र के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी और कहा कि दौड़ हर इंसान को स्वस्थ और निरोगी रखता है, ऐसे में वैभव भड़कर ने सराहनीय कार्य किया है। कैबिनेट मंत्री दीपक केसरकर ने कहा कि शिंदे गुट की शिवसेना बाला साहेब ठाकरे के नक्शे कदम पर चलने वाली पार्टी है, जहां 80% समाज सेवा और 20% राजनीति होती है और वैभव भड़कर भी उन्हीं उद्देश्यों पर चल रहे हैं। सांसद गजानन कीर्तिकर ने भी अपने हाथों से विजेताओं को पुरस्कार देकर सभी को सम्मानित किया और दिंडोसी में वैभव भड़कर के सामाजिक कार्यों को सराहा, तो वहीं मैराथन धावकों ने भी वैभव के कार्यों को सराहते हुए उनका आभार प्रकट किया। वैभव ने सभी अतिथियों और दिंडोसी की समस्त जनता का आभार प्रकट किया और पहले और दूसरे तीसरे विजेताओं को प्रतितोषित इनाम दिया और समस्त प्रतिभागियों को मलाड विकास प्रतिष्ठान की तरफ से सर्टिफिकेट वितरण भी किया गया। आइए नजर डालते हैं हमारे संवाददाता रितेश तिवारी और सुनील कनौजिया की एक खास रिपोर्ट। बाला साहब के विचारों पे चलना चाहिए। बाला साहब का विचार ये था कि 80% समाजकरण करना है, 20% राजकरण करना है। अच्छे से अच्छी सहूलतें हम लोग मुंबईकरों के लिए ला रहे हैं, जो मुंबई की पास्ट ग्लोरी है उसको वापस ला रहे हैं। मुंबई ये महाराष्ट्र की धड़कन है, बाला साहब की हृदय की वो धड़कन थी और बाला साहब के विचारों को साथ ले के जाते समय हम मुंबई को बेहतर बना रहे हैं। होनी चाहिए, समाज में एकता होनी चाहिए और उसका एक प्रदर्शन यहाँ के जो हमारे शिवसैनिक है वो कर रहे हैं। हमारे प्रकाश सुर्वे जी है, हमारे यहाँ के नगर सेवक है भरड़कर साहब, वो कर रहे हैं, तो उन सबको मैं और हमारे और भी नगर सेवक है चाचे, तो चाचे भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो सबको एक प्रोत्साहन देने के लिए मैं यहाँ पर आयोजित किया गया। लोगों को किस तरीके से बनाएंगे? देखिए, ये कार्यक्रम जो है बाला साहब की शिवसेना एकनाथ शिंदे की इस संगठन का बहुत बड़े पैमाने में कल 23 तारीख है, बाला साहब की जयंती है और ये हमारी बाला साहब की शिवसेना है और हमारे मन में, धन में, तन में बाला साहब बसे, तो उसके जयंती के निमित्त दिंडोसी विधानसभा द्वारा वैभव भरटकर हमारे विधानसभा संगठक है उसके नेतृत्व में ये रन फॉर डेवलपमेंट का कार्यक्रम हुआ। और भी कार्यक्रम है और सब मुंबई शहर में सब जगह रहेगा, इसलिए ये कार्यक्रम के द्वारा हम जनता को सूचित करना चाहते हैं कि हम समाज के हित के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता है और आने वाले दिन में हम चाहते हैं कि समाज हमें साथ दे, हमें बख्शिश दे, हमें अगर इलेक्शन रहेगा तो इलेक्शन में हमें चुन के दे। नंद किशोर उपाध्याय मेरा नाम है। उपाध्याय जी, एज कितनी है आप? मेरी एज अभी 62 रनिंग है। 62, 62 साल की उम्र में वही जोश
जो युवाओं में था आज बुजुर्ग होने के बाद में भी उन्हें वही जोश देखने को मिला। क्या कहेंगे जो अस्पताल पार्टिसिपेट किए और खास तौर पे मैं आज सबसे पहले मैं यहाँ के जो आयोजक हैं, जो वैभव भरटकर साहब हैं, यहाँ के नगर सेवक हैं, मैं उनका धन्यवाद करूँगा। साहब ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया था, बोला सर आप आएंगे तो हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ेगा। तो मैंने कहा क्यों नहीं, इसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आज बच्चे दौड़े तो मुझे बहुत खुशी हुई, दौड़ने से उनकी प्रतिकार शक्ति बढ़ती तो है ही और बीमारी से उनको राहत मिलती है। कोई भी इंसान बीमार नहीं होगा दौड़ेगा तो, चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग हो, क्योंकि शरीर तो सबका एक जैसा ही है, शरीर को सशक्त बनना चाहिए, मजबूत बनना चाहिए। आज मैराथन जे आम्ही स्टार्ट केलं, म्हणजे आम्ही विचार केला होता की इथं पळू शकतो का नाही आजच्या तारखेमध्ये, पण आम्ही पळू शकलो आणि लास्टपर्यंत पोहोचलो। आमचा ग्रुप आहे, आम्ही सगळं मिळून एकदम जोशाने पळून आम्ही इथं येऊन पोहोचलो। समजा त्यांनी हे आयोजन केलं मॅरेथॉन स्पर्धा, त्यांच्यासाठी काय बोलणार? त्यांच्यासाठी येणाऱ्या म्हणजे सर्व काही जे यांच्या वाटचाली आहेत त्यांच्यासाठी आम्ही सर्वजण आहोत आणि धन्यवाद, आम्ही त्यांच्यासाठी आम्ही तत्पर मागे आहोत। आम्ही असं काय बोलणार, बोलो धन्यवाद बोलो। मालाड मॅरेथॉनमध्ये पळण्यामध्ये असा जोश येतो, भरपूर जोश येतो आणि युवकांनी पळलं पाहिजे असं सगळ्यांना मी सांगू शकतो। सर आज का मेरा बहुत अच्छा लगा, ऐसे होना चाहिए और ऐसे बढ़ना चाहिए, इससे अपने को जय मिलती है। ऐसा ही वैभव यादव को हम शुभेच्छा देते हैं कि इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने नियोजन किया और इतने अच्छे से नियोजन किया है कि एकदम मतलब सिस्टमेटिक, जिधर से रेस शुरू हुई तो एंड तक नाश्ते का पानी का हर एक सुविधा उन्होंने अच्छे तरफ से की, इसके लिए हम सच्चे दिल से उनका स्वागत करते हैं। आपने भी पार्टिसिपेट किया, क्या कहोगे वैभव जी के लिए? वैभव दादा के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा कार्यक्रम हो गया हम लोग को सब एकदम। आज का मैराथन अच्छा रहा, दौड़ने में भी आज सुबह सुबह जो ठंड का मौसम था उससे अच्छा लगा दौड़ के, आज शरीर में गर्माहट आ गई, बहुत सही हुआ था। मैराथन के आयोजित के लिए क्या कहोगे, जिस तरीके से आयोजित बहुत अच्छा किया गया था, वैभव भरटकर साहब ने बहुत अच्छा आयोजित किया था और मेरे ख्याल से ऐसे आयोजित सब जगह करना चाहिए। युवतियों में भी एक जोश देखने को मिला इस मैराथन में, ऐसे में हमारे साथ में युवतियाँ भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कैसा रहा मैराथन आज का? एकदम फर्स्ट टाइम हमने ट्राई किया था तो, बट अच्छा था, हमने कंप्लीट किया पूरा। अच्छा, 5 किलोमीटर की दौड़ के लिए कितना प्रयास किया था पहले से दौड़ते? नहीं, ऑन द स्पॉट आए हैं हम लोग। अच्छा, हाँ, बट कंप्लीट किया है हम, कंप्लीट किया आप लोगों ने। अच्छा, क्या कहोगे आयोजकों के लिए, क्या कहोगे वैभव भरटकर के लिए, क्या कहोगे आप? अच्छा प्रतिष्ठान ने अच्छा ये किया था आयोजन और ऐसा करना ही चाहिए आगे भी, ऐसा करना ही चाहिए। आप क्या कहोगे आयोजकों के लिए? भाई पहली बार हम लोग आए हैं तो बहुत अच्छा रहा, ये तो ऑन द स्पॉट हम लोग भी आए हैं। व्यवस्थाओं की बात करें, सुविधाओं की बात करें तो कैसा? सुविधा बहुत अच्छा था, बहुत बहुत अच्छा था। मलाड विकास प्रतिष्ठान और शिवसेना की तरफ से आज मुंबई के डिंडोसी में मैराथन का आयोजन किया गया। आज सुबह सबको बहुत खुशी की बात थी, हम लोग बहुत खुश थे सुबह से और अभी भी खुश है। मालाड विकास प्रतिष्ठान हमारे ट्रस्ट की ओर से पहली बार मैराथन का आयोजन किया गया। ये मैराथन हमने इसको टाइटल ही दिया था रन फॉर डेवलपमेंट, विकासाची दौड़ मराठी मध्ये आपण म्हटलं तर, आणि आपल्या विभागात विकास झाला पाहिजे या उद्देशाने सर्व विभागातील तरुण ज्येष्ठ नागरिक आणि आम्ही तिन्ही वयोगटातील लोकांनी मोठ्या संख्येने यामध्ये सहभाग घेतला, बड़ी संख्या में सब लोग सहभागी हुए और तकरीबन 700 लोगों ने रन किया है। उसके अलावा हमारे कार्यकर्ता उत्स्फूर्त रीत्या वो भी सब उसमें शामिल सम्मिलित हुए और वो सब ने भी मिलकर बहुत अच्छी तरह से ये कार्यक्रम को एंजॉय किया है। और आज हम अभी यहाँ तक अभी लास्ट स्टॉप पे आप और हम सब लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, अभी देखे हैं कि फर्स्ट कौन आ रहा है, सेकेंड कौन आ रहा है, थर्ड कौन आ रहा है, इसकी उत्सुकता सब में है, सबको ये जानना जरूरी है, सब लोग उसी लिए। बाकी मालाड विकास प्रतिष्ठान ट्रस्ट के आयोजक हमारे मुजाहिद शेख हुए, हमारे सभी कार्यकर्ता प्रथमेश गाड़ीगांवकर, सुरेश यादव जी, हमारे 39 के शाखा प्रमुख हमारे संतोष लाड जी, 42 के हमारे मसूरकर साहब, 38 के विलास हुमने और टोटल टीम हमारे उप विभाग में विजय नाइक होंगे, सुरेश यादव जी होंगे या हमारे नितिन स्वामी होंगे, इन सब ने बहुत अच्छे से मेहनत की है। हमारे कंप्लीट हमारे इनका नाम रह गया, हमारे दौड़ेकर साहब हुए, अक्षय इंदुलकर हुए, इन सब लोगों ने जो मेहनत की है वो मेहनत के साथ हम लोग अब यहाँ पर पहुँचे हैं। जितनी बड़ी संख्या में पहली बार मालाड विकास प्रतिष्ठान ने
एक आयोजन किया कि मलाड विकास प्रतिष्ठान मलाड में हम लोग कुछ भी कार्य कोई भी कार्यक्रम करते तो उसे भव्य और दिव्य तरीके से करने की हमें आदत है। और पहली बार हमारा ये मैराथन था जिसमें इतनी बड़ी संख्या में सब लोग हैं और हम लोग सही में बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र के शिक्षण मंत्री श्री दीपक केसरकर जी इसमें सम्मिलित हुए, अपने माघा थाने के हमारे आमदार आप सबके हमारे सबके चहेते प्रकाश दादा सुरवे इसमें सम्मिलित हुए, अब हमारे खासदार थोड़ी देर में इसमें गजानन कीर्तिकर साहब भी सम्मिलित हो रहे हैं और कहीं महंत जी भी आए, हमारे स्कूलों के सब टीचर्स ने सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, हमारे अलग अलग एज के ग्रुप के सभी लोगों ने इसमें जिस तरीके से पार्टिसिपेट करके हम सब ने जो इन्जॉय किया है उसके लिए हमारी महाराष्ट्र पुलिस हुई, मुंबई के हमारे डिंडोशी पुलिस स्टेशन RTO, हमारे कुरार पुलिस स्टेशन से लेकर हमारे सभी स्वयंसेवकों को हमने 8-10 जगह पे जो स्टॉल लगाए उन सब जगहों पर जिन्होंने स्पर्धकों को पानी पिलाने का काम किया, उन्होंने मोटिवेट करने का काम किया, उन सबका हम धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छे तरह से कार्यक्रम आयोजित हुआ। अच्छे मैराथन मालाड प्रतिष्ठान वरते कर ध्येय ऐसा है कि शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची उद्या जयंती आहे आणि जयंतीच्या निमित्त आपण हा मलाड प्रतिष्ठानच्या वतीनं हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। जनते मलाडच्या जनतेसाठी आपण दिंडोशी जनतेसाठी सांगू शकतो की या मॅथॉनच्या माध्यमातून आपल्या प्रकृतीची काळजी घेतली जाते आणि त्याच्यातून आपलं डेव्हलपमेंट होत जातं। अशा पद्धतीनं आपण आजच्या या मॅथॉनच्या बाबतीत मॅरेथॉनच्या बाबतीत आपण बोलू शकतो।